BJP is sending BSF to the village, nearby villages of the border, and terrorizing the people. Central force को जल्दी तैनात किया जाए, उनका route march किया जाए, कि लोग घर से निकल कर वोट डाले, और पहले route march होने से भय का वातावरण दूर होगा। Certain points we have raised as alleged by the BJP that the Bangladeshis and the Rohingyas name figured in the voter list, and that too around 10%. This was the blame upon the Election Commission of India, because the voter list has been prepared by the Election Commission. So they took the point there. Secondly, the communal speeches, the BJP is propagating hatred in the land of Bengal. We definitely requested the Election Commission to take note of that. Why a communalism will figure during the election? Thirdly, that we all want a peaceful, fair and peaceful election, and the right of the people of Bengal to vote. So that too will be taken care if the provocation, the speeches and the communalization is not there in Bengal. They have noted our grievances. And secondly, the BJP is sending BSF to the village, nearby villages of the border, and terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP. चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं, क्यों इस पर का संशय मन में आता है, इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है, और आप पर लोग भरोसा कर सके इस प्रकार व्यवस्था लीजिए। इसीलिए सेंट्रल फोर्स को जल्दी तैनात किया जाए, उनका रूट मार्च किया जाए, कि लोग घर से निकल करके वोट डाले, और पहले रूट मार्च होने से भय का वातावरण दूर होगा। अभी राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही है उसमें काफी हिंसा हो रही है, और हिंसा बढ़ रही है, रोज सरकारी दल की तरफ से हिंसा का प्रायोजित किया जा रहा है। इसीलिए इस प्रकार वातावरण को निर्भय वातावरण बनाया जाए, इस प्रकार हो, सेंट्रल फोर्स को बूथ के अंदर रखा जाए, स्टेट पुलिस को 100 मीटर दूर रखा जाए, 200 फुट दूर रखा जाए, जो कानून है, और लोगों को प्रभावित ना कर सके सरकारी ऑफिसर, पार्टी के गुंडे और पुलिस, इस पर भी ध्यान रखा जाए। जो ऑफिसर चुनाव कमीशन की तरफ से यहाँ काम में आते हैं उनको थ्रेट किया जाता है, उनका सुरक्षा निश्चित किया जाए, और आगे भी उन पर कोई इस प्रकार घटना ना हो इस मामले में निश्चित किया जाए। ये सारी बातों को हमने बोला, और बॉर्डर इलाका में काफ़ी शंका में नए लोगों की वोटर लिस्ट में नाम आई है। हमारा पूरा यकीन है कि रोहिंगा और घुसपैठिया का नाम करीब 4-5 लाख लोगों को इंक्लूड हुआ है 22 लाख में। इस पर ध्यान दिया जाए, जहां अस्वाभाविक वृद्धि हुई है वोटर की उसमें छानबीन करके उनको निकाला जाए, और ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाए जो इस काम में लिप्त हैं। मैं आपके सामने खुलासा करता हूं, जो वीडियो वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड करते हैं, हम उनको जब जाके लिस्ट देते हैं, जो लोगों का नाम भेजते हैं, वो नहीं होता है, और विशेष सूत्र से लिस्ट उनके पास आता है और वो नाम इंक्लूड हो जाता है जो वहाँ के वोटर नहीं भी है। तो इससे एक अव्यवस्था निर्माण हुआ है, बैलेंस बिगड़ गई है वोटर लिस्ट की भी, इसको भी देखा जाए, ये सारा निवेदन हमने किया है।